हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लोजेस का एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का जो पार्ट है, इसके अंदर अपन फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स होता है पहले। ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, और कौन से टाइम को एक्सप्रेस करता है ये देखिए। इस क्लोज का प्रयोग पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ किया जाता है। डबल एक्शन के जो सेंटेंसेज हैं उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस, देखो दो टेंस आते हैं डबल एक्शन वाले में, एक तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस से पहले बिफोर शब्द लगेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, सब्जेक्ट इसके बाद लगेगा फर्स्ट वाक्य खत्म होने के बाद बिफोर। देखो सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा बिफोर, और इसके बाद सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा जो फास्ट इंडेफिनेट का रहेगा, फास्ट इंडेफिनेट का रहेगा। और फास्ट इंडेफिनेट की सबसे बड़ी पहचान है वर्ब की यहाँ पर फास्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी एग्जाम के अंदर पहचान है। बिफोर जो क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के साथ जुड़ता है। इसके बाद बिफोर के बाद है ना पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल देखिए इसका, द पेशेंट had died, the patient had died the doctor came, और आपसे कहा जाए कि इसको before से rewrite कीजिए। इस sentence को आप before से rewrite कीजिए। अब बिफोर से रिवाइव करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि बिफोर जो क्लोज है ये कहां लगता है, ये बात आपको माइंड में होना चाहिए। बिफोर क्लोज जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पहले लगता है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पहले बिफोर लगता है, इसकी पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका देखिए बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, इसके बाद लगेगा बिफोर, द डॉक्टर केम। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। मान लीजिए एग्जाम में मेथड सेकंड से पूछा जाए, जिसमें आपको ब्लैंक देगा और तीन क्लोजेज चार क्लोजेज देता है, उसमें से फिलअप करना है। द पेशेंट
हैड डाइड द डॉक्टर कैम। और यहां पर लिख दिया इसने आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर और इधर लिख दिया टिल। इनमें से एप्रोप्रिएट क्लॉज बनना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है तो इधर देखो रिक्त स्थान के बाद कौन सा है पास्ट इंडेफिनेट है तो आफ्टर तो आ नहीं रहा। आफ्टर का यूज नहीं होगा। आफ्टर का यूज कब होता है जब इधर वाला जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर हो। ठीक है टिल आएगा नहीं टिल लास्ट टाइम को व्यक्त करता है उससे मतलब पहले मर गया था वो डॉक्टर आने तक नहीं तो यहां पर ये भी नहीं आएगा। अब बिफोर देखो बिफोर कहां पर आता है बिफोर का यूज पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में करते हैं तो देखो रिक्त स्थान के बाद जो है वो कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म इट मींस पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो अपना एप्रोप्रिएट क्लोज क्या होगा बिफोर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एक तो रीराइट वाला क्वेश्चन किया जाता है और एक आपके मेथड सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए माय मदर हैड प्रिपेयर टी माय फादर कैन। और यहां पर कहा जा रहा है कि इसको बिफोर से रिराइट कीजिए बिफोर से रिराइट कीजिए तो बिफोर कहां लगेगा पास्ट इंडेफिनेट के पहले लगेगा। पास्ट इंडेफिनेट इधर वाले क्लोज में या इधर वाले क्लोज में इसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो फास्ट इंडेफिनेट टेंस इधर है तो इससे पहले लगेगा तो इसको बनाएंगे अपन माय मदर हेड प्रिपेयर्ड टी बिफोर माई फादर केम। तो इस तरीके से ये बिफोर वाला जो क्लोज है ये इस तरीके से कंप्लीट होता है ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है अपना क्लोज बिफोर के बाद नो सूनर देन नो सूनर देन नो सूनर देन। देखिए इधर इसका सूत्र होगा नो सूनर नो सूनर इसके बाद आ जाए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस इसके बाद मेन वर्ब बचा हुआ जो सेंटेंस है वो आ जाएगा
then or second sentence. Second sentence. इसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना. पहले नंबर पे यदि पहले वाक्य में सेकंड फॉर्म हो तो नो सुनर से जोड़ते समय डिड हेल्पिंग वर्ब डिड हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं. ठीक है, दूसरे नंबर पे पहले वाक्य के एज सुन एज को हटा देते हैं. एज सुन एज को हटा देते हैं. अगर दे रखा है तो हटा दीजिए, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हटा देते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है. कौन सी बात? ये दो बातें ध्यान रखनी है. जैसे मान लो सेंटेंस आ गया आपके, एज सुन एज राम सा हिज पेरेंट्स, एज सुन एज राम सा हिज पेरेंट्स ही रेन टू टच बेयर फिट. और आपको कहा जाए कि इसको नो सुनर देन से जोड़िए. नो सुनर देन से जोड़िए. तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, सबसे पहले तो इसमें से एज सुन एज को क्या कर देंगे, हटा देंगे. ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है. ठीक है, तो सबसे पहले नो सुनर लगेगा. नो सुनर के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब. अब यहां देखो, यहां सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड. डिड, डिड के बाद राम. सी की फर्स्ट फॉर्म, सा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी. हिज पेरेंट्स, देन then he ran to touch their feet. इस तरीके से ये नौ सुंदर वाला वाक्य कंप्लीट होता है. इसके बाद आता है as soon as close से. as soon as close से वाक्य को जोड़ना. दो कार्यों में जो पहले होता है उसके साथ
एज सून एज लगाते हैं। एज सून एज फर्स्ट एक्शन सेंटेंस कॉमा सेकंड एक्शन द टीचर एंटर द क्लास वी बिगेन टू लर्न अवर लेसन्स। इसको जोड़ना है एस सून एस से। देखो इसमें सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, टीचर एंटर हुआ या फिर बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया। द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक जी ने कक्षा में प्रवेश किया। वी बिगेन टू लर्न अवर लेसन और हमने हमारे पाठों को पढ़ना शुरू किया। तो पहले कौन सा, ये फर्स्ट एक्शन ये हुआ, तो इसके साथ हो जाएगा एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास we began to learn our lessons. Our lessons. तो स्टूडेंट्स ये एज सून एज वाला इस तरीके से है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव योर नाइस डे स्टूडेंट्स।